अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे ईद पर। तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आज जो है मैं वो शूट कर रही हूँ अपने न्यू मोबाइल से। तो अभी मैं उठी हूँ सोकर, क्योंकि रात क्या सुबह हम लोग सोए 10 बजे, तो नींद पूरी अभी भी नहीं हुई है। 4 बज रहे हैं, नींद पूरी अभी भी नहीं हुई है, 4 बज रहे हैं। तो अभी उठे हैं और अभी ताकिब भी सो रहे हैं। बस उठकर रेडी वगैरह होते हैं, शीर कौरमा खाते हैं, फिर जाते हैं ससुराल। रेडी होकर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। देख सकते हैं मुझे आके बस अभी तैयार होने के लिए गए हैं। अभी हम खाते हैं शीर कोरमा और मैं अपना दिखाती हूँ अभी आप लोगों को फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट डे का सूट है, सिंपल से बनाया है मैंने ये। इसके साथ दुपट्टा लिया था, इसकी मैचिंग मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी, तो इसके अंदर जो ये वाली कढ़ाई है इससे मैंने मैच करके लिया है। आके मेरा फाइनल लुक दिखाना। और ये है जी मेरा आज का फाइनल लुक, और ये रही मेरी ईदी फ्रॉम आकिब। दिस इज माय ईदी इन न्यू स्टाइल। मैंने ही कहा था आकिब को बुके मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे ऐसी ईदी देना। तो फिर आकिब ने ये कल सुबह बल्कि जाकर नमाज पढ़ने के बाद ये बनवाई है। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लग रही है। वैसे मैं अलग से भी पैसे लूँगी इसके अलावा भी। अभी बहुत देर हो रही है, लंच को होते हैं। और मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे ड्रेस कैसा लग रहा है। कल का ज़्यादा प्यारा है मेरी तरफ का, तो आज थोड़ा सिंपल बनाया। तो भाई अभी हम खा रहे हैं शीर कोरमा। हाँ जी, कैसा बना है? बहुत मज़े का। मज़े का बना है? अच्छा, आके मेरा फाइनल लुक नहीं दिखाया। लगे मैं देर कर दी मैंने। ओ लॉर्ड, देखो मुझे बोलने देर हमेशा आकिब में देर करनी होती है, जबकि झूठ नहीं बोलो। अरे खाने में लगे इतनी जल्दी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अपना, फिर निकलते हैं हम लोग, क्योंकि रास्ते से हम लोगों ने मिठाई वगैरह बास्केट भी बनवानी है। तो भाई चलते हैं अभी यहाँ से, या तो बास्केट बनवाते हैं, मिठाई लेते हैं इसको। चलो बन गई हमारी दो बास्केट्स। दिखाओ आके, दिखाओ एक ये एक ये। चलो एक ऊपर भाभी को दे देंगे और एक नीचे अपनी सास को दे देंगे। तो जी एक हमने लिए अपनी जेठानी, मैंने अपनी जेठानी के लिए लिए, भाभी के लिए लिए अलग से, और एक जो ली है वो अपनी सास के लिए लिए। अब जल्दी से चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है, तो वहीं जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वही मुबारक, कैसी हो? टिकटॉक बना रही हो सी? वालेकुम मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी है? अच्छा इधर आओ, वीडियो तो बनवाओ मेरे साथ, ईद मुबारक तो बोलो। इधर आओ, क्या दिखा रही है पहले बोलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो। हिबा ईद मुबारक तो बोलो। अच्छा नहीं बोल रही मैं, गुट्टी जाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर जाऊँ। इधर अच्छे से मेहंदी दिखाओ, हिबा ने भी मेहंदी लगाई है, देखें ईद मुबारक। और फिर जी यहाँ भाभी ने बहुत ही मज़ेदार आज बिरयानी बनाई थी, इतनी मज़े की कि बस मेरा पेट भर गया था, नियत नहीं भरी थी। फिर हमने खाना खा लिया था जल्दी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो आज हमने कहा जल्दी खा लें। अभी क्या पी रही हो आप? शादी भाई ले लो, मजे थोड़ी करते हैं, बस सही है। अरे ईदी होती है बच्चों की, बच्चों की तो ईदी होती है। मानी किधर है? शादी भाई को अम्मा ने, मैं खा रहा हूं। काकू काकू, ये
एबा से वापस ले लो। मानी भाई भी इधर ले रहे हैं। अस्सलाम। अब पीते हैं चाय, चाय बिस्किट। मैं जानता हूँ तू यार, ये वाला खाती है। दिखाओ कौन सा ये ऑडियो। हाँ नहीं है तो मैं खाती हूँ। चची ने खुद तो सबको दे दिया। सो गाइस, अभी हम सारे घर वाले जो जा रहे हैं, सब लोग ससुराल वाले और हम लोग कहीं बाहर डिनर करने के लिए। कुछ वैसे तो भाभी ने बिरयानी बनाई थी बहुत मज़े की, वो हम लोगों ने जल्दी खा ली थी क्योंकि सुबह से भूखे थे। मगरिब में हम लोगों ने खा ली थी मगरिब के बाद। अब जो है भूख लग रही है, टाइम अभी हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं और अब हम सारे कहीं जा रहे हैं। अब देखते कहाँ जाते हैं जहाँ क्राउड भी ना हो, क्योंकि ईद का दिन है, बहुत रश होगा हर जगह। सो लेट्स गो। तो बस फिर हम लोग आ गए थे शिनवारी। हमने सोचा यहीं से कुछ देसी खाना ज़रा आज खा लेते हैं, क्योंकि हम सभी थे पूरी फैमिली। फिर खाना शाना खाया, कढ़ाई मंगवाई और अफगानी बोटी वगैरह, सीख कबाब, बस खाना खाया सबने एक साथ। अच्छा लगा, मज़ा आया और बहुत टेस्टी खाना था। फिर लास्ट में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाई और बस अब चलते। सो हाय गाइस, हम लोग घर पर आ चुके हैं अपने, और इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और इतिहास का दिन होता है फर्स्ट डे ख़त्म, और यही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे मैंने कहा एक एक दिन के ब्लॉग बनाऊँ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। तो बस आज का ये ब्लॉग था। ससुराल गए और फिर बाहर खाना वाना खाने चले गए थे। फिर हम लोग लेट ही आए अभी घर पर 3 बजे रात के। बस अभी आकर मैं फेस वॉश किया है, कपड़े प्रेस किए कल के लिए। कल अम्मी के घर जाएंगे, कल अम्मी के घर दावत है। कल का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, मज़ेदार होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू ब्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय।